सास और बहू का भी हेल्दी रिलेशनशिप हो और ऑफ कोर्स बेटे का बड़ा उसमें किरदार होता है. तो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू बैलेंस? आई ट्राई टू कीप इट बैलेंस. मैं और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कर लेना तो चीज़ें बहुत हल हो जाती हैं. ये जो कम्युनिकेशन होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए. तो इनिशियली बिल्कुल मैं बीच में होता था, दोनों तरफ से एंड्स, आई यूज टू मेक एंड्स मीट. अब मैं बीच में हूँ ही नहीं. सो अब ये लोग खुद आपस में सारी बातें करके और सॉर्ट कर लेते हैं, जिस तरह की कोई भी हो. अच्छी बात यह कि ये मेरी वालदा और मेरी बेगम एक ही स्टार हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसे. और इनका क्या स्टार है? कैप्रिकॉर्न. ये भी कैप्रिकॉर्न है, महाम भी कैप्रिकॉर्न है, मेरी बेटी भी कैप्रिकॉर्न है, आदि भी कैप्रिकॉर्न है, मेरे करीबी लोग सारे कैप्रिकॉर्न. राबिया भी कैप्रिकॉर्न. राबिया भी तकरीबन आदि कैप्रिकॉर्न है, उनके मियाँ भी कैप्रिकॉर्न है. तो मैं कैप्रिकॉर्न के बीच में, दिसंबर जनवरी बहुत पैसे जाते हैं, गुर्बत के महीने तो फिर आप लोगों के पैसा तो जाए जा रहा है, जाए एक्स्ट्रा कमेटियां डाल लिया करें इसमें. ऐसी है यार, एंड मंथ एंड सब हो रहा होता है उसका. तो ये आपस में अब चीजें मैनेज करते हैं. और ये बिल्कुल सही बात है उमर की, कि इसी में आपकी भलाई है. हाँ. आप ऑफिस से आए, खाना खाएं, सो जाएं. अच्छा, राबिया बताती थी कि जब राबिया की जब शादी होनी थी तो जो रेहान है उन्होंने, उनको पता था कि किस बंदे से दोस्ती करनी, तो उन्होंने आंटी से दोस्ती की. हाँ हाँ. और ये भी असल में रेहान भी कैप्रिकॉर्न है. तो वो भी अकलमंद आदमी. और माहम ने भी जो दोस्ती की वो भी परवीना आपस की. सारे कैप्रिकॉर्न आपस में खेल रहे हैं, बीच में इधर उधर स्टार्स भी. आप लोगों का हम फिलर कैरेक्टर्स हैं. हम फिलर हैं, यस. तो ये कैसे हुआ था, मतलब आपको पसंद आई थी उसके बाद फिर किस तरह से? मुझे तो पसंद आई थी, लेकिन अच्छी बात ये कि इनको पसंद आई थी. तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई. भाई दरअसल मैं बहुत टाइम से इनसे कह रही थी, इनके छोटे भाई एक बच्चे के बाप बन गए थे. yes. तो मैंने कहा अल्लाह के वास्ते शादी कर लो. हाँ कर लूंगा. मैंने कहा कब? तो मैं इनका थिएटर देखने गई. मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी. मैंने कहा क्या हालात हैं इस लड़की के लिए, एकदम ही हो गया. कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा लड़की अच्छी है, फंसा सकते हो तो अच्छी लड़की है, फैमिली भी अच्छी है. और उनके खालू के साथ मैंने काम भी बहुत किया है, वो भी एक्टर. तो इस तरह बात हो गई. और फिर एक्ट्रेस थी, मैंने कहा बहुत इजी मैं और वो, हमारा रिलेशन बहुत इजी रहेगा. तो बस फिर नसीब की भी बात हो, नसीब की बात, नसीब की बात हो. बड़े बुजुर्ग कहते संजोग, संजोग जहाँ पे संजोग मिले उसकी बात. तो इनका संजोग, इनको मैंने कहा तो इन्होंने भी हामी भर ली कि चले आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है. लड़की को मैंने अलग से पूछा, मैंने कहा तुम्हें ये पसंद है? प्रेशर तो नहीं है कोई? कोई शक तो नहीं है? कहने लगी नहीं. ठीक है. अच्छा, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको जिसको आप पसंद करते हैं आपकी माँ को भी वो पसंद आ जाए. एब्सोल्युटली. तो मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा फिर हम तुम्हारे घर आ रहे हैं. कहने लगी बिस्मिल्लाह आइए. फिर घर गए. उनके घर का माहौल और हमारे घर का माहौल बड़ा स्मूथ है. जिंदगी मुझे बताएं कि कोई ऐसे टाइम जब आपने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल था यहाँ से निकलना, ये अम्मी की दुआ लगी है. आई एम श्योर बहुत सी ऐसी जगह होती है. हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है इस तरह से. मैं जब कराची आया हूँ, कराची आके जब मैं लोगों के साथ मिला हूँ, लोगों के साथ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से जितना स्मूथ मेरा ये सफ़र रहा है शुरू का, अगर दुआएं ना होती लोगों की तो बहुत मुश्किल हो जाता. मे बी आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट जोन, मैं किसी और सिनेरियो में होता, मेरे लिए कुछ और हालात होते. लेकिन इनकी दुआएं थी. वो होता है ना, आप इजाज़त लेकर जब आते हैं तो उस पर आपका फिर आपके साथ एक फरिश्ता भी रहता है कि भाई अब हम देख रहे हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे. तो वो जब मैं इजाज़त, उससे पहले जब मैंने कह रहा मुझे जाना है जाना है जाना, उन्होंने नहीं जाने दिया. फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ जाओ अब, तो वो सेटिस्फेक्शन अपने साथ लेकर आना और यहाँ पर आगे, फिर मुझे उसकी वजह से जितने लोग मिले यहाँ पे, जितने भी जिस तरह के लोग मिले, वो सब बहुत अच्छे मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. ये फिर इनकी दुआएं थी जो हुआ इस तरह से. अच्छा, आपके साथ फैजान ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया जिसमें आपने कहा कि भाई यहाँ से तो अम्मी की ही दुआ से निकला, वरना तो बड़ा मुश्किल था ज़िंदगी में? कोई पूरी ज़िंदगी ऐसी चली. हम वाकई, मैं तो अभी भी कहता हूँ हम इस लायक नहीं है कि लोग इतनी इज्जत देते हैं या इतना काम मिलता है. ये सब इनकी वजह से. जहाँ जहाँ इज्जत होती है ना, वो इनकी वजह से होती है, सीधी बात है. और जहाँ जहाँ हम जलील होते हैं, वो अपनी वजह से होते हैं. सिंपल सी बात, इसको आप एक्सेप्ट कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है. हाँ, बात वैसे बिल्कुल सही है. हाँ, ये तो जब किसी नए काम के लिए जाते हैं, मेरे पैर चूम के जाते हैं और मैं खुलेआम चूमता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता इससे. ये भी तमाशा में, तमाशा के फिनाले में हम इंटर हुए तो मुझे नहीं पता था ये लोग आए हुए. आई वॉज एक्सपेक्टिंग शायद माँ बैठी हो, अम्मी बैठी हुई थी, तो मैं पूरा एक टीम थी, मैं गया हूँ सीधा, मैंने पैर छूमे सबके सामने. अच्छा, इतने अरसे बाद जब अम्मी को देखा तो फिर क्या हो? ऑब्वियसली आप इमोशनल तो होते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल कबाहत या वो नहीं होता कि यार लोग क्या देखेंगे सोचेंगे. आई डोंट केयर.
मैं सो रही होती हूँ, इनको जाना होता है। मैं उठाता नहीं हूँ लेकिन मैं पैर चूमती चला। कितनी से प्यारी बात है ना, आई वुड रियली वांट माय सन टू डू दिस। मतलब जबरदस्ती नहीं, नो प्रेशर। उसकी वजह क्या है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैंने इन लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। आप ये चीजें, अब मेरी बेटी ने देखा ही, अगर तो बेटी सुबह जब इनको सलाम करती है हाथ चूमती है इनका, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कराई है उसको इस चीज की। तो ये चीजें आप पास ऑन करते हैं, आप पास ऑन करते हैं। मेरे यहाँ आप जितने मेरे बच्चे हैं, मतलब नीस नेफ्यू भी मेरे बच्चों की तरह, वो लोग भी, उनमें भी ये चीज है। बड़ों से जब भी मिलेंगे तो वो हाथ चूमते हैं, हमने एक चीज सिखाई थी क्योंकि हम चूमते हैं बड़ों को। और अब हमारी बुआएं भी अपने बड़े जितने मेरी फैमिली के उनके हाथ चूमती है, क्योंकि वो घर का माहौल देखा है। वैसे हमारे यहाँ बड़ों का हाथ चूमते, हमसे जो बड़े हैं हम उनका हाथ चूमते। अच्छा मुझे ये बताया, आप लोग तो माशाल्लाह से आपने मतलब सख्ती भी की, काम भी करे हो, लेकिन मैं अगर आजकल की चीज़ें देख रही हूँ तो आजकल बच्चे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने रिश्तों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। चलो जी ईद आ गई, मैं अक्सर त्यौहारों पे लोगों को देखती हूँ कि भाई ये तो त्यौहार ऐसे होते हैं कि माँ बाप के साथ ईद मनाने के लिए होती है, लेकिन उनको होता नहीं जी यही टाइम है कि हमने की बाहर जाना है और माँ बाप पीछे हैं अकेले ईद में और बच्चे बाहर। जो तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट हुई एकदम से? माँ बाप की जो है ट्रेनिंग, वो सख्ती ख़त्म हो गई। अब वो बच्चों के पाबंद हो गए हैं कि बच्चे उनको बताएंगे, हमने ये नहीं होने दिया, हमने बच्चों को सिखाया। अब बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं, मतलब रूल करते हैं। तो ये माँ बाप की कमजोरी है। जैसे पहले बच्चे परमिशन मांगते थे, अब नहीं, अब बच्चे बताते हैं, अब बच्चे इतला देते हैं। परमिशन नहीं मांगते, अब इतला देते हम जा रहे हैं, ये नहीं कहते हम जाएं। दोनों में बड़ा फर्क है, हम जाएं में और हम जा रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है। तो ये माँ बाप की कमजोरी है। और फिर मैंने देखा है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों पे सख्ती नहीं रखी या उनको ट्रेन नहीं किया, वो बहुत भुगतते हैं, वो बहुत बुरे हालात में गुजरते हैं। फिर उनका बुढ़ापा भी मैंने देखा है, उनका बुढ़ापा रुल जाता है। वो वक्त जब उनको ज़रूरत होती है औलाद की, वो औलाद उनकी नहीं होती। मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ, इसी बात पे मुझे याद आया कि एक औरत जो बहुत नाम भी है उसका और बड़े बड़े आदमी की बीवी है, वो बहुत लग्जरियस लाइफ है उसकी। जब उसका मियाँ मर जाता है, बच्चे जवान हो गए और बच्चे वही वाले बच्चे, बर्गर बच्चे, और वो माँ बाप को कुछ न समझने वाले बच्चे, वो उस बुढ़िया का हाथ पकड़ के उसको ईदी सेंटर में छोड़ा थे। और इतनी अमीर औरत जिसने ऐसी ज़िंदगी देखी हो, वो उन बच्चों के हाथों वहाँ जाती हैं, क्योंकि भाई होते हैं, वो कहते हैं ये अगर रहेंगी यहाँ हम जायदाद में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। वो औरत वहाँ पे, उसके बॉयकट बाल हो जाते हैं, वो मर्दों वाला हुलिया हो जाता है, शलवार कमीज पहनती है, वो मर्दाना सिगरेट यहाँ रख के पीती है, और वो गेट कीपरी कर रही होती है ईदी होम की, उसको गेट पे बिठा देते हैं। ऐसा कैरेक्टर है वो, और वो रफ्ता रफ्ता हंच बैक, उसकी बैक पे कुंभ निकल आती है। तो इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इतना अच्छा है, और वो मैं कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। वैसे मैं हम ज़रूर नाम भी जानेंगे, उसके बाद देखेंगे भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अगर हम अपने माँ बाप की बात करें तो हमारे माँ बाप ने हमें डांटा भी है, मारा भी, हमारा ना कहीं कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और आज हम ज़रा टेम्ड हैं, थोड़े ज़रा तमीज़दार हैं। आजकल के बच्चों को तो ज़रा से ऊंची आवाज़ में बात करके आप मना कर दे तो कहते हैं ये क्या कर दिया उसके साथ, उसका तो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। तो आंटी आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हुई पेरेंटिंग में भी लोगों से? वही बात है कि माँ के पास भी टाइम नहीं है, मोबाइल ये वो, बच्चों के पास भी है वो, इंटरनेट पे थे, हाँ तब वो नहीं थे, तब ये चीज़ें नहीं थी। बच्चे घर में बैठते थे, चलो गेम खेली पर घर में बैठते थे, और सुनते भी थे और मानते भी थे। आप ना सुनते हैं ना मानते हैं, वही बात करोगी। इनको मैंने 3 साल की उम्र में रोजे रखवाए, पूछे ऐसी है कहाँ रखे रख दिए थे साइड पे मैंने रख के, और फिर इनके सवाल और अब आप देखें, अब आप रखवा के दिखाएं बच्चों को रोजा, लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं अभी भी 2 साल 3 साल का स्कूल जाएंगे, भाई हमने रखा है और हम उसी से वहीं से आदत है हमें। अच्छा, और फिर ये वो बच्चे के अभी भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ तो रमजान में क्या आपने रोजा नहीं रखा, वो मेरे ना सर में थोड़ा दर्द शुरू हो जाती है, ये तो एक्सक्यूज नहीं होती हमारे यहाँ, कोई रोजा तो हमारे यहाँ तो कभी सहरी मिस हो जाती थी तो बिना सहरी के, बिना सहरी के रोजा रखते थे, स्कूल भी जाते थे। और अभी भी लोग सेट पे हैरान होते हैं कि टेस्ट है तो हमने नहीं रखवाया, अभी भी लोग सेट्स पे हैरान होते हैं आप रोजा रखा, भाई क्या हो गया, किस तरह का सवाल है, रोजा रखा हुआ, जाहिर सी बात हम क्रिकेट खेल रहे हैं, रोजे में सब सब किया हमने, सब आदत बना
आदी है ना। अब जो छोटे बच्चे हमारे घर में वो भी रोजा रखते हैं, वो लड़ पड़ते हैं अपनी माँ से कि हमें क्यों नहीं उठाया, रख पाया, वो घर में देख रहे हैं ना। लेकिन खैर जी, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारा ताल्लुक उस जनरेशन से है कि जिसने माँ बाप से डांट भी खाई है, लेकिन वो माँ बाप से मोहब्बत भी करते हैं, डरते नहीं, हाँ रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट की वजह से उनको डर भी है कि नाराज़ ना हो जाए, तो उनको वो डर ज़्यादा है कि हमारे माँ बाप टूट ना जाए। और शायद मुझे लगता है हम आखिरी जनरेशन है जो कि अपने माँ बाप पे ना फरिश्ता हैं, जो आशिक हैं। अल्लाह करे जी आने वाली नस्लें भी ऐसी हों, हमारी औलादे भी ऐसी हों जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। खैर ये वो कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट अल्लाह पाक हमारी बेहतरी करे। थैंक यू सो मच आंटी हमारे शो में आई, थैंक यू सो मच उमर आपका, परवीन आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैजान हमारे शो में आए। मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।